व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए, अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नेशनल पार्क के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोगों को दोनों ही पर्पज को ये फुलफिल करने वाला है ये वीडियो। यूपीएससी, एसएससी या बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और या किसी भी दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा ये नॉर्थ इंडिया पर फोकस रहेगा। नॉर्थ इंडिया पर जो आज का जो हमारा पोर्शन रहेगा उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है, यानी कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले ये राज्य हैं, इसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आज का जो हमारा फोकस रहने वाला है उसमें हम लोग 6 राज्य कवर करने वाले हैं। 6 राज्य कौन कौन से हैं उनके बारे में पहले आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर सकें। तो 6 राज्य होंगे आप लोगों के सामने, जम्मू कश्मीर, इसके साथ में आप लोगों के सामने हो गए हिमाचल प्रदेश, तीसरा होगा आप लोगों के सामने यहाँ पर उत्तराखंड, फिर चौथा होगा हरियाणा और इसके बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश और बिहार। पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है, ठीक है। तो ये 6 राज्य, इन 6 राज्य में टोटल मिलाकर 19 नेशनल पार्क हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो एक एक करके सबकी डिटेल बताऊंगा और उससे रिलेटेड कई सारी आप लोगों को स्टैटिक पोर्शन जानने को मिलेगा और इसके अलावा कई सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी जानने को मिलेगी। यानी कि एक तरीके से ऐसे कवर करके चला जाएगा। अगर आप लोग छोटे एग्जाम की तैयारी करें एसएससी या बैंकिंग की तो वहां पर भी आप लोग क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सके, या फिर यूपीएससी की तैयारी करें तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से अटेम्प्ट कर सके। तो इस तरीके का हमारा एनालिसिस रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो हमारा आज का पहला राज्य है जिस पर हम लोग फोकस डालेंगे वो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में हम लोग देखेंगे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, एक एक करके कवर करते हुए चलेंगे। पहले आप लोग एक बार फोकस डाल लीजिए, ये होगी हमारी प्यारी पृथ्वी। यहाँ पर आप लोग को बीचों बीच हमारा प्यारा भारत नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर इसको जूम करके आप लोग देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में आप लोगों को राज्य नजर आएगा जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर आप लोग देखते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से नेशनल पार्क हमारी कंट्री में है उस पर पूरा फोकस हमारा रहने वाला है। तो जो सबसे पहला नेशनल पार्क है आप लोगों के सामने, यह है सलीम अली नेशनल पार्क। लोकेशन आप लोग देखते हैं यहाँ पर, यह होगी पर्टिकुलर लोकेशन जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में। तो इस नेशनल पार्क के बारे में पहले फोकस डालते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ अच्छी अच्छी चीजें जो आप लोगों को पता होना चाहिए। सलीम अली नेशनल पार्क, इसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से भी पुकारा जाता है। लोकेशन मैंने आप लोगों को बताई दी, 1986 में इसका नामांकन किया गया था, यानी कि नोटिफाई किया गया था इसको सलीम अली नेशनल पार्क के नाम पर। आखिर कौन है ये सलीम अली? सलीम अली एक ऑर्थोनोलॉजिस्ट हैं, यानी कि आप लोगों को पता चलेगा कि ये एक चिड़ियाओं से विशेषज्ञ रखने वाले एक इंसान थे जिनको बर्डमैन यानी कि चिड़ियाओं की जानकारी रखने वाला इंसान भी बुलाया जाता था। और हाँ, देखिए, मैं आप लोगों को जब भी कोई हिस्टोरिकल फैक्ट बताता हूँ किसी पर्टिकुलर नेशनल पार्क के बारे में तो उस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान जरूर दिया कीजिए क्योंकि उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। बाकी यहाँ पर इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, यह है हिमालयन मोनल। तो यहाँ पर ये एक पक्षी है जो कि यहाँ पर फेमस है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट नेशनल पार्क। नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है ये है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट, इसके नाम में ही कुछ विशेषता है, नाम भी आप लोगों को याद रखना है और कैसे याद रखना है वो बताऊंगा अभी। तो नाम क्या है यहाँ पर? नाम है दिचगाम नेशनल पार्क। आप लोगों को अगर हिंदी में थोड़ा सा इसे कन्वर्ट करके देखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 10 गांव, यानी कि 10 विलेज, यानी कि 10 गांव यहाँ से रिप्लेस किए गए थे जब ये नेशनल पार्क बनाया गया था। उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पर इसका नाम रखा गया। लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पर्टिकुलर लोकेशन है तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया कि हाँ ये इस तरीके से नेशनल पार्क का नाम है उसी के नाम पे बोल देते हैं। ये लगभग आप लोगों को जो लोकेशन नजर आएगी यहाँ पर 22 किलोमीटर श्रीनगर से ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। 10 विलेज जरूर आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर। इसके अलावा 1981 में यहाँ पर इसको डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क। यहाँ पर नेशनल पार्क की अगर बात करें तो यहाँ पर यह है कश्मीरी हंगल, इसका नाम याद रखिएगा। ये बारह सिंगा भी आप लोग बोल सकते हैं जो पर्टिकुलर इस एरिया में पाया जाता है, इसके लिए फेमस है, इसका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा जो कि इससे कनेक्टेड है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर यह हेमिस नेशनल पार्क। ये भी आप लोगों को जम्मू एंड कश्मीर देखने को मिलेगा। लोकेशन आप लोगों के सामने है यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया जिसके बारे में ये बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखते हैं अभी क्या क्या बातें इसके बारे में इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को याद रखनी है। सबसे पहला तो ये लद्दाख रीजन में है, ठीक है ना। लद्दाख रीजन के स्थल में आप लोग यहाँ पर नजर आएगा, ये आप लोग देख सकते हैं। तो हेमिस नेशनल पार्क और इसको ये भी बोलाता है, ये है हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, यानी कि काफी ऊंचाई पर ये नेशनल पार्क है। ओनली एक ऐसा नेशनल पार्क है हमारी कंट्री में जो नॉर्दर्न हिमालय में पाया जाता है। आप लोगों ने ज्योग्राफी में हिमालयन रेंज के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो नॉर्दर्न हिमालयन रेंज में पाया जाता है। इसी के साथ में लार्जेस्ट नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया, यानी कि हमारी कंट्री का सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है जिसको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप लोग बोल सकते हैं हमारी जो इन्वायरमेंट है उसकी दृष्टि से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। सेकंड लार्जेस्ट कंटिग्यूअस प्रोटेक्टेड एरिया भी आप लोगों को देखने को मिलेगा आफ्टर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और 1981 में इसको यहाँ पर इसका दर्जा दिया गया था। स्नो लेपर्ड आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो पाए जाते हैं, इनको आप लोग याद रख सकते हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हेमिस नेशनल पार्क। नेक्स्ट नेशनल पार्क देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर यह है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये भी लोकेशन आप लोग यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में नजर आएगी, ये आप लोगों के सामने है लोकेशन। अगर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जाने तो यह आप लोगों के सामने किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क लोकेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा किश्तवाड़ जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का वहां पर, और डिक्लेयर किया गया था इसको नेशनल पार्क 4 फरवरी 1981 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। इससे रिलेटेड आप लोग एक रिवर जरूर याद रखते हैं, यहाँ पर है RINNAY रेनी रिवर, ये आप लोगों को नॉर्थ में देखने को मिलेगी बाउंडेड बाय रेनी रिवर। इसके अलावा यहाँ पर ये है किबर नाला कैचमेंट, ये यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा, और इसी के साथ में आप लोगों को वेस्ट साइड में ये है MARWA, ये है मारवा रिवर, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखते हैं। और काफी ब्यूटीफुल एरिया है यहाँ पर, अगर आप लोग इसको जाकर एक बार देखेंगे तो काफी सुंदर आप लोगों को नजर आएगा। इसके अलावा काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये पक्षी है, ये है हिमालयन स्नो कॉक, यानी कि एक मुर्गा जो कि हिमालयन रीजन में पाया जाता है, बर्फ वाले एरिया में पाया जाता है, तो ये है यहाँ पर जो पाया जाता है किश्तवाड़ नेशनल पार्क वाले एरिया में, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में देखते हैं कौन कौन सा नेशनल पार्क है, तो हिमाचल प्रदेश में कई सारे इंटरेस्टिंग नेशनल पार्क आप लोगों को नजर आएंगे। उससे पहले लोकेशन आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग देखिए, ये हो गया यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, ऊपर जम्मू एंड कश्मीर हो गया, इधर आप लोगों को पंजाब नजर आएगा, यहाँ पर हरियाणा, और यहाँ पर आप लोगों को उत्तराखंड नजर आएगा। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो देखते हैं कौन कौन सा नेशनल पार्क यहाँ पर है। तो जो सबसे पहला फर्स्ट नेशनल पार्क निकल के आ रहा है यहाँ पर, यह है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, लोकेशन आप लोगों के सामने है यहाँ पर, तो कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। सबसे पहले तो GHNP यानी कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क लोकेटेड है कुल्लू वाले रीजन में, ये हुई वाला कुल्लू है, कुल्लू मनाली वाला कुल्लू, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोकेशन आप लोगों को नजर आएगी, 1984 में इसको बनाया गया था, और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जिसे क्वेश्चन बन सकता है, 2014 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देने के साथ साथ में इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था, आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो ये इसको दर्जा दिया गया था कि यहाँ पर ये काफी शानदार है यहाँ पर, खासकर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई तरीके के फ्लोरा एंड फ्यूना आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे, अगर अलग अलग तरीके की स्पीसीज की बात करें तो लगभग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि 375 तरीके की यहाँ पर अलग अलग स्पीसीज, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इसके अलावा और कई तरीके यहाँ पर पशु पक्षी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है उसके तहत यहाँ पर आप लोगों को ये प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी, और यहाँ पर फेमस है आप लोग देखते हैं गोट, ये यहाँ पर है जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, देखिए कितनी प्यारी सी है, तो यहाँ पर इसका भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, ये जरूर याद रखिएगा, और कोई हिस्टोरिकल लोकेशन के साथ में कनेक्टेड है, किसी हिस्टोरिकल पर्सन के साथ में कनेक्टेड है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग अलग से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर नेशनल पार्क है, ये है पिन वैली नेशनल पार्क, लोकेशन आप लोगों के सामने है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर लोकेशन है यहाँ पर जहां पर ये नेशनल पार्क है हमारी कंट्री का। अगर इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो लोकेशन आप लोगों के सामने है, यह है लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में ये पाया जाता है। पिंग वैली नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किया गया था 9 जनवरी 1987 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट और तिब्बतन कल्चर का मिक्सचर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर कई तरीके आप लोगों को मोनेस्ट्रीज और स्तूपा जो स्तूपाज होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। इसके अलावा हिमालयन थार, ये इस तरीके का आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये पशु है जो पाया जाता है यहाँ पर इस नेशनल पार्क में, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो कुछ बातें हैं जो आप लोगों को इसके बारे में पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर, यह है इंद्र किला नेशनल पार्क, इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस आप लोग यहाँ पर इसकी लोकेशन वगैरह याद रख सकते हैं, ये हो गया इंद्र किला नेशनल पार्क, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था, थोड़ा ये याद रख सकते हैं, एस्टेब्लिश किया गया था इसको 2010 में, यानी कि लेटेस्ट अभी इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसके अलावा यहाँ पर यह है, ये आप लोग ये यहाँ पर पक्षी है डिफरेंट, थोड़ा सा इसके बारे में याद रखते हैं, ये है स्नो पार्ट्रीज, ठीक है ना, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, इंद्र किला नेशनल पार्क पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर, यह खीर गंगा नेशनल पार्क, ये भी आप लोगों को लोकेशन देख सकते हैं यहाँ पर, यह है पर्टिकुलर लोकेशन आप लोगों के सामने जहां पर यह नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा, एस्टेब्लिश है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये भी 2010 में यानी कि नया ही नेशनल पार्क बनाया गया है, और यहाँ पर यह पक्षी है, यह है चुकर पेट्रीज, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, इस कदरी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि पर्टिकुलर कौन से नेशनल पार्क में कौन सा पक्षी पाया जाता है, तो अभी नया ही स्टेब्लिश किया गया था जो पहले वाला उसके बारे में डिस्कस किया, और ये भी, और दोनों ही आप लोग कहां पर देखने को मिलेंगे, दोनों ही नजर आएंगे आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में, और लोकेशन आप लोग ये याद रख सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेशनल पार्क है यहाँ पर, यह सिंबलबारा नेशनल पार्क, इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस ये है कि आप लोगों को देखने को मिलेगा दो जो स्टेट के बॉर्डर हैं उसके आसपास में आप लोगों को नजर आएगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर, यह पर्टिकुलर लोकेशन, एक साइड में आप लोगों को हिमाचल प्रदेश और दूसरी साइड में आप लोगों को हरियाणा यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसके बॉर्डर टच करता हुआ आप लोगों को ये नजर आएगा, यानी कि दो स्टेट्स के बीच में ये आप लोगों को नेशनल पार्क आप लोग इसको बोल सकते हैं। जो यहाँ पर ये लोकेशन है इसकी, तो ये आप लोग देखते हैं, ये है
पावनाटा वैली, तो ये आप लोग याद रखिएगा, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और 2010 में इसको यहाँ पर नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। पर्टिकुलर लोकेशन मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ इस नेशनल पार्क के बारे में। अगर आप लोग यहाँ पर इससे रिलेटेड एक जानवर का नाम याद रखना चाहते हैं तो ये है सांभा, ठीक है, या फिर आप लोग जो डियर बोल सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं इसको, तो ये कुछ ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में पाया जाता है जो कि कनेक्टेड है हरियाणा राज्य के साथ में भी। ओके आगे चलते हैं, अब देखते हैं अगला स्टेट यहाँ पर नेक्स्ट नेशनल पार्क यहाँ पर स्टेट में देखते हैं कौन सा है, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके ये राज्य बनाया गया था उत्तराखंड। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा नेशनल पार्क है, पर उससे पहले आप लोग लोकेशन देख लीजिए उत्तराखंड की कि ये लोकेटेड कहां पर है, उसके बाद में आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। थोड़ा और जूम करते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं यहाँ पर उत्तराखंड, ये देखिए यहाँ पर उत्तराखंड आप लोगों के सामने है, ऊपर हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, इधर आप लोग हरियाणा देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, और अगर इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो नेपाल के साथ में, और आप लोगों को नजर आएगा तिब्बत जो कि चाइना का पार्ट है आज के डेट में उसके साथ में ये टच करता हुआ नजर आता है। तो जो फर्स्ट नेशनल पार्क है यहाँ पर ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काफी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए तभी आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। इसके बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को इस्टेब्लिश किया गया था, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे पहले तो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया में, ठीक है, 1936 में। अब तक जो भी नेशनल पार्क हम लोगों ने देखे वो आजादी के बाद मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा इस्टेब्लिश किए गए थे, पर ये आजादी के पहले यानी कि 1936 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और किस लिए किया गया था, जो बंगाल टाइगर है इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जो यहाँ पर ये नेशनल पार्क आप लोगों के सामने है यहाँ पर, इसको जो पहले जिसको यहाँ पर जो इसका नाम चेंज किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इससे पहले इसको किसी और नाम से पुकारा जाता था, ये क्या था, ये था हेले नेशनल पार्क, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया जिम कॉर्बेट के नाम पर, जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस नेशनल पार्क को प्रोटेक्ट करने में और आगे बढ़ाने में, इन्हीं के नाम पर इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया। एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ये भी याद रखनी है, यहाँ पर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था, जो यहाँ पर टाइगर है हमारी कंट्री में खासकर बंगाल टाइगर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फर्स्ट ऐसा नेशनल पार्क था जो कि यहाँ पर इसके प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में आया, ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड पे ये स्टार्ट किया गया था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1973 के बाद में फिर दो साल बाद ही हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगी थी जो कि 1977 तक रही थी, जिसकी वजह से काफी खतरनाक सिचुएशन हमारी कंट्री में बन गई थी। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेशनल पार्क यहाँ पर है, ये है गंगोत्री नेशनल पार्क, लोकेशन आप लोगों के सामने है यहाँ पर, ये गंगोत्री नेशनल पार्क की ये आप लोग देखते हैं उत्तराखंड में। अगर इसके बारे में कुछ बातें की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये जो नेशनल पार्क है यहाँ पर, ये इंडिया का नेशनल पार्क है जो थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1989 में, और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तराखंड का, आप लोगों को यहाँ पर इसकी लोकेशन नजर आएगी। अगर इंपॉर्टेंस आप लोग यहाँ पर इसकी जानना चाहते हैं तो यहाँ पर हिमालयन बारबेट, ये पर्टिकुलर तरीके का एक पक्षी आप लोग देखते हैं जो कि यहाँ पर पाया जाता है, तो इसके बारे में अगर आप लोग आइडिया रखना चाहें तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और भी कई तरीके फ्लोरा एंड फ्यूना यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि कई तरीके पेड़ पौधे, और इसके अलावा कई तरीके यहाँ पर पशु पक्षी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, देवदार जैसे चीड़ के पेड़ आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इनके बारे में भी आप लोग कुछ आइडिया रख सकते हैं, और एक काफी अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जिस नेशनल पार्क के साथ में कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट जुड़े हैं उस नेशनल पार्क पर आप लोग थोड़ा सा ज्यादा फोकस दीजिएगा। जैसे यहाँ पर है गोविंद पासु विहार नेशनल पार्क, तो इसके बारे में थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये लोकेशन आप लोगों के सामने है यहाँ पर, इसके बारे में क्या है इंपॉर्टेंस वो अभी देख लेते हैं। यहाँ पर गोविंद पासु विहार नेशनल पार्क जो कि एक सेंचुरी नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा उत्तराखंड में, स्टेब्लिश किया गया था 1990 में, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया था इसको 1955 में, बाद में इसको कन्वर्ट करके 1990 में नेशनल पार्क बना दिया गया। एक तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दूसरा आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर हमारे फ्रीडम फाइटर और पॉलिटिशियन गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर इसका नाम चेंज करके बाद में इस नेशनल पार्क का नाम चेंज किया गया, जो कि आप लोगों के सामने है, इसका नाम जो रखा गया यहाँ पर ये है यहाँ पर गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, जो कि पहले एक सेंचुरी हुआ करता था। और देखिए यहाँ पर इनका अचीवमेंट आप लोग याद रखते हैं, हिंदी जो भाषा है हमारी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने में बहुत बड़ा दर्जा रहा है गोविंद बल्लभ पंत जी का, इसलिए भी यहाँ पर इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं। और इंडिपेंडेंट इंडिया के आप लोगों को ये जो होम मिनिस्टर नजर आएंगे तो यही यहाँ पर होम मिनिस्टर थे 1950 में। एक पक्षी जो यहाँ पर आप लोग देखते हैं बियर्डेड वल्चर, यानी कि अगर बोला जाए तो दाढ़ी वाला गिद्ध, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस यहाँ पर ये पाया जाता है, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया होना चाहिए। और गिद्ध देखिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, खासकर अगर बात करें हमारी कंट्री, हमारी जो पृथ्वी है उस पर सफाई का काम करता है, यानी कि जो भी एक कुछ ऐसी चीजें जो कि हमारी पृथ्वी पर पड़ी रहती है गली सड़ी उनको खत्म करता है, एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये इस तरीके की चीजें हमारी पृथ्वी पर न हो तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी महामारी और बीमारी फैल जाए, तो इनकी भी एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, यह है नंदा देवी नेशनल पार्क, काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारी बातें इंटरेस्टिंग आप लोगों को जानने को मिलेगी। पहले आप लोग लोकेशन देख लीजिए, यह है पर्टिकुलर लोकेशन जहां पर यह
पाया जाता है। अब इसके बारे में इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क जो कि एक आप लोगों को बायोस्फीयर रिजर्व इसको बोला जाता है, नंदा देवी यह है बायोस्फीयर रिजर्व, ये एक नेशनल पार्क है सिचुएटेड आप लोगों को नंदा देवी उत्तरकाशी में देखने को मिलेगा। अगर बात करें स्टेब्लिश किया गया था 1988 में और 1988 में ही इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया था यूनेस्को के द्वारा। यह है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर बन सकता है। इसके अलावा नंदा देवी नेशनल पार्क का बाद में नाम चेंज करके नंदा देवी वैली ऑफ फ्लोर नेशनल पार्क कर दिया गया था 2005 में, तो ये भी यहाँ पर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी ब्राउन बियर यहाँ की विशेषता है जो कि यहाँ पर पाया जाता है, ये क्या है ब्राउन कलर का जो भालू यहाँ पर पाया जाता है ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ओके, और लोकेशन मैंने आप लोग को बता ही दी थी। तो ये था इसके बारे में कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आगे चलते हैं। अगला नेशनल पार्क जो है यहाँ पर इसका नाम है राजाजी नेशनल पार्क, ये भी एक फ्रीडम फाइटर आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे, इनके नाम पर ये नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। लोकेशन आप लोगों के सामने है जहां पर ये सिचुएटेड है। कुछ बातें जान लेते हैं अब इस नेशनल पार्क के बारे में। राजाजी नेशनल पार्क जो कि स्प्रेड आप लोगों को देखने को मिलेगा यानी कि फैला हुआ है 3 डिस्ट्रिक्ट में, ये कौन सा है, ये है सहारनपुर देहरादून और इसके अलावा यहाँ पर यह है पावेरी गढ़वाल एरिया, यानी कि ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर यह फैला हुआ है। 1983 में इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के जो यहाँ पर ये एरिया थे इनको मिलाकर यहाँ पर एक नेशनल पार्क बनाया गया जिसको आज के डेट में हम लोग राजाजी नेशनल पार्क बोलते हैं। राजाजी कौन थे, देखिए सी राजगोपालचारी जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर जनरल भी आप लोग देखते हैं, उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया था और इनको भारत रत्न भी दिया गया था 1954 में। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था अगर किसी भी नेशनल पार्क के साथ में कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट जुड़ा हुआ है तो उसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से यहाँ पर जिनको मिलाया गया था, इनको मिलाकर ये एरिया बनाया गया था, कौन कौन सी सेंचुरी थी उनका नाम आप लोग देख लीजिए, ये है यहाँ पर चिला मोतीचूर और राजाजी, ये 3 सेंचुरी को मिलाकर यहाँ पर एक नेशनल पार्क का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग इनके बारे में याद रख सकते हैं। और हाँ, इसके यहाँ पर अगर पर्टिकुलर एरिया की बात की जाए तो यहाँ एलिफेंट प्यारे प्यारे छोटे छोटे आप लोग इसके बच्चे देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये फेमस है इसके लिए, यहाँ पर कुछ इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे चलते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था नंदा देवी नेशनल पार्क, इसी से कनेक्टेड आप लोगों को नेशनल पार्क नेक्स्ट नजर आएगा, ये क्या है यहाँ पर, ये है यहाँ पर वैली, ये है यहाँ पर वैली ऑफ फ्लोर नेशनल पार्क और आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिला, लास्ट में इसका नाम भी चेंज करके ही रखा गया था वैली ऑफ फ्लोर नेशनल पार्क नंदा देवी को यहाँ पर एक्सपेंड करके, ये हम लोगों ने देखा था। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं यहाँ पर वैली ऑफ फ्लोर नेशनल पार्क के बारे में। तो वैली ऑफ फ्लोर नेशनल पार्क आप लोगों को उत्तराखंड में यहाँ पर नजर आएगा और यहाँ पर इंडेमिक एल्पाइन जो फ्लोर है और कुछ वेराइटी ऑफ जो फ्लोरा है उनके लिए काफी फेमस है। इसके अलावा नंदा देवी नेशनल पार्क यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एशियाटिक ब्लैक बियर ये यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेंगे और लोकेशन ये है, यानी कि आगे अब एक्सपेंड करके यहाँ पर जो वैली फ्लोर नेशनल पार्क है और यहाँ पर नंदा देवी नेशनल पार्क है इसको एक ही नाम से पुकारा जाता है आज की डेट में एक्सपेंड करके, और इसको नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लोर नेशनल पार्क के नाम से इसको पुकारा जाता है। तो इसके बीच में आप लोग कंफ्यूजन नहीं रखना है, आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब अगला राज्य देखते हैं, जो नेक्स्ट राज्य है यहाँ पर स्टेट है यहाँ पर, यह हरियाणा। हरियाणा में देखते हैं कौन कौन सा नेशनल पार्क है जिसे आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाए, तो हरियाणा पर नजर डालते हैं। उससे पहले आप लोग हरियाणा की लोकेशन आप लोग देख लीजिए, अगर हरियाणा की आप लोग लोकेशन देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर नजर आएगा ये वाला पोर्शन। ठीक है, इधर आप लोग देखते हैं, थोड़ा और जूम कर लेते हैं यहाँ पर ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें, ये हो गया हरियाणा। ठीक है, ऊपर आप लोग पंजाब देखेंगे, यहाँ पर आप लोगों को ये वाला एरिया पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश नजर आएगा, थोड़ा नीचे जाएंगे तो राजस्थान नजर आएगा। तो कुछ बातें आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखते हैं। आइए पर्टिकुलर देखते हैं कि कौन कौन सा नेशनल पार्क आप लोगों को हरियाणा में नजर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, यह है कैलासर नेशनल पार्क, हरियाणा का नेशनल पार्क है। लोकेशन आप लोग देखते हैं यहाँ पर बॉर्डर पे ही है, लगभग जाकर आप लोग एक बॉर्डर एरिया आप लोग इसको देख सकते हैं जहाँ पर ये इसकी लोकेशन है। अगर कैलासर नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो ये एडजेसेंट है यहाँ पर कैलासर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी और यमुनानगर जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर, जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर हरियाणा का, वहां पर ये आप लोगों को प्रोटेक्टेड एरिया नजर आएगा। 2003 में इसको गठन किया गया था यानी कि एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इंडियन लेपर्ड आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो पाए जाते हैं। इसके अलावा बोथ जो कंटिग्यूस देखने को मिलेगा जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये था सिंबल बारा नेशनल पार्क और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में, और इसके अलावा हमने के लिए राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, इसके साथ में आप लोग कनेक्टेड नजर आएगा क्योंकि आप लोग देखते हैं ये बिल्कुल बॉर्डर पर है। तो ये भी दो बातें आप लोग जरूर याद रखिए क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से राज्य के कौन कौन से नेशनल पार्क कनेक्ट है किस किस के साथ में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क, लोकेशन आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये पर्टिकुलर लोकेशन है जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर इसके बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने रखी जाए तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पर, सुल्तानपुर राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये है यहाँ पर लोकेटेड कहाँ पर है, ये लोकेटेड है सुल्तानपुर जो कि गुरुग्राम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज के डेट में इसका नाम क्या है, गुरुग्राम इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है। इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में और इसी के साथ में यहाँ पर यह है व्हाइट
ये है यहाँ पर व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, ये याद रखिएगा यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि पर्टिकुलर यहाँ पर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई सारी माइग्रेटरी और भी बर्ड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकती है, पर लेकिन इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। और अगर आप लोग दिल्ली या आसपास वाले एरिया में रहते हैं तो लगभग 50 किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि आप लोग आसानी से इसको विजिट कर सकते हैं, काफी अच्छी लोकेशन है। नेक्स्ट जो राज्य है हमारा, ये राज्य है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखते हैं कौन सा नेशनल पार्क है। यहाँ पर आप लोगों को एक ही नेशनल पार्क नजर आएगा। पहले उत्तर प्रदेश की लोकेशन आप लोग देखिए, ठीक है, ये यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर एरिया कौन से के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग देखते हैं। कई सारे राज्य यहाँ पर आप लोगों को टच करते हुए नजर आएंगे। और उत्तर प्रदेश के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि कभी ना कभी आप लोगों ने सुना होगा उत्तर प्रदेश को मिनी इंडिया भी बोला जाता है। बहुत ह्यूज पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाती है, और खासकर गंगा जो यहाँ से बहती है आप लोगों को देखने को मिलेगा। हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड से आप लोग यहाँ पर कनेक्ट करना चाहेंगे तो जहां जहां पर भी रिवर फ्लो होती है मैक्सिमम जनता वहां पर आप लोग रहती है, उसके आसपास में नजर आएगी। तो ये हिस्टोरिकल लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जो नेशनल पार्क है वो यहाँ पर अकेला एक ही नेशनल पार्क है, और नेशनल पार्क का नाम क्या है, ये है दुधवा नेशनल पार्क। लोकेशन आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर इंडो नेपाल यानी कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर आप लोगों को नजर आएगा, तो यहाँ पर इसलिए भी थोड़ी इंपोर्टेंस इसकी बढ़ जाती है। जान लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें इसके नेशनल पार्क के बारे में। तो वो क्या है, दुधवा नेशनल पार्क आप लोगों को ये टिहरी जो यहाँ पर देखने, वो टिहरी नहीं सॉरी तराई, ठीक है, तराई वाला जो उत्तर प्रदेश वाला रीजन है वहां पर देखने को मिलेगा। अगर बात करें नेपाल की तो नेपाल में भी जो मधेसी कम्युनिटी रहती है वो आप लोगों को तराई वाले रीजन में देखने को मिलेगी, तो उसी से कनेक्टेड आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसको यहाँ पर नोटिफाइड किया गया था नेशनल पार्क के तौर पर 1977 में। और ब्राउन कलर का यहाँ पर हेयर यानी कि खरगोश आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर पाया जाता है दुधवा नेशनल पार्क के अंदर में। अगला राज्य है हमारे लोगों के सामने, ये है बिहार। बिहार के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है। उससे पहले आप लोग पहले एक बार लोकेशन देख लीजिए, ताकि आप लोग अच्छे से कनेक्ट हो पाए कि पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ पर है बिहार की, तब आप लोग देखिएगा ढंग से। ये देखिए यहाँ पर जूम कर देखते हैं यहाँ पर बिहार की लोकेशन, ये आप लोगों के सामने है बिहार, ठीक है। बिहार के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, बिहार से ही निकालकर हम लोगों के द्वारा जो राज्य बनाया गया था झारखंड, और छत्तीसगढ़ बनाया गया था किससे निकालकर, मध्य प्रदेश से, और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश से निकालकर बनाया गया था उत्तराखंड। तो ये कुछ बातें आप लोग जो याद रखेगा। अब यहाँ पर बिहार पे फोकस डालेंगे। बिहार में जो आप लोगों को नजर आएगा ये ओनली एक नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। नाम क्या है, ये है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये भी लोकेशन आप लोग देखते हैं इंडो नेपाल बॉर्डर पर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा इसकी लोकेशन। वाल्मीकि नेशनल पार्क के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं यहाँ पर, क्या क्या इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क के बारे में जो कि लोकेटेड है बिहार में। वाल्मीकि नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है कहां पर, यह इंडो नेपाल बॉर्डर में आप लोगों को नजर आएंगी। और साथ में ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, यह है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। देखिए चंपारण डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें यहाँ पर काफी फेमस है। अगर आप लोग हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर चलेंगे यहाँ पर महात्मा गांधी जी के बारे में आप लोगों को याद आ जाता होगा जब भी चंपारण डिस्ट्रिक्ट, जब भी चंपारण के बारे में बात की जाती है तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो जाती है चंपारण डिस्ट्रिक्ट की। ओके, इसके अलावा यहाँ पर जो रिवर आप लोगों को नजर आएगी ये है गंडक रिवर, और एस्टेब्लिश किया गया था यहाँ पर 1989 में। अगर बात करें यहाँ पर पर्टिकुलर जो यहाँ पर लोकेशन मैंने आप लोगों को बताई थी, और एक जानवर के बारे में बात करें तो ये है ब्लू बुल, यानी कि जिसको यहाँ पर नील गाय भी आप लोग बोलते हैं। काफी खेती को यहाँ पर बर्बाद कर देती हैं ये, जब एक झुंड में चलती हैं आसपास वाले एरिया को तहस नहस करके रख देती हैं। तो ये कुछ एरिया है यहाँ पर जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये था हमारा टोटल लेक्चर जिसमें हम लोगों ने 19 नेशनल पार्क डिस्कस किए। इसके अलावा अगर नॉर्थ ईस्ट वाला लेक्चर आप लोग देखना चाहते हैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सीरीज में ही हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, इसके अलावा 2 लेक्चर और आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पूरी इंडिया के नेशनल पार्क आप लोगों के कवर हो जाएंगे। कैसा लग रहा है ये लेक्चर, आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं अगर पसंद आ रहा है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि फायदा आप लोगों को पहुंचा रहा है तो इसको शेयर करना ना भूलिए व्हाट्सएप फेसबुक पर, जहां पर भी आप लोग कनेक्टेड है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक अच्छी एजुकेशन पहुंचाई जा सके। इसके अलावा अपने आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथिन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। बाकी आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर ये फेसबुक ग्रुप, और इसके अलावा यहाँ पर है टेलीग्राम, जहां पर आप लोग कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं, और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाती है। इसके अलावा देखिए अपना रिवीजन आप लोग करते रहिए साथ साथ में। और इसके अलावा यहाँ पर जो भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको बता दूं, यहाँ पर डेली मॉर्निंग में आप लोगों को 4 बजे पीआईबी की वीडियो देखने को मिलती है, फिर आप लोगों को 7:30 बजे द हिंदू का डिस्कशन किया जाता है, और डेली शाम को आप लोगों को 5:30 बजे देखने को मिलती है आप लोगों को प्रैक्टिस के क्वेश्चन की वीडियो। अगर आप लोग यहाँ पर अब तक यहाँ पर ये चीजें नहीं जानते हैं और यहाँ पर इनका पार्ट बनना चाहते हैं तो यहाँ पर फैमिली का पार्ट आप लोग बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।